आप बता रही हैं कि 1.5 लाख बोला है कि लोगों को देंगे जब नीति बनेगी, नीति बनेगी जब अभी देंगे नहीं, नीति बनेगी तब देंगे। हमने सुना था सरकार ने ये कहा कि 4,000 रुपए रेंट दिया जाएगा, 6 महीने तक दिया जाएगा, तो ये जो नए नए अमाउंट आ रहे हैं इसको लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आप बता सकेंगी कि सरकार ने क्या आश्वासन वहां के लोगों को दिया है? सरकार मैडम, सरकार ने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया। ये लेटर कल का आया हुआ है, कल जो प्रशासन के साथ लोगों की बात हुई है उस इसके अलावा सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉलिसी, कोई लोगों के हाथ में ना कोई पैसा दिया गया, जबकि लोग कह रहे कि उनको तत्काल ये पैसे की जरूरत है, लोग अपना घर बार छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनको बिना पैसे के वो कहाँ जाएंगे? आप देखिए कि ये 18 महीने से ये स्थितियां पैदा हुई थी और लोग तब से लगातार बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ये आश्वासन जो पुष्कर सिंह धामी कल लोगों से वहां मिले हैं तब उन्होंने दिया है, वहां से एक सरकारी लेटर निकला है ये प्रशासन की तरफ से, तो ये इसमें अभी वो पैसा देंगे नहीं देंगे ये कोई क्लैरिटी नहीं है। वो कह रहे कि पॉलिसी बनाएंगे। आप देखिए ना, मजाक की बात देखिए कि पुष्कर सिंह धामी कुछ दिन पहले वहां आए, उन्होंने लोग जब देहरादून में उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने कहा कि वो जोशीमठ जाएंगे और तब कुछ बातचीत तय करेंगे कि क्या करना है आगे। जब जोशीमठ आए लोगों ने कहा कि अब क्या है आपके पास में करने के लिए, तो वो जोशीमठ में आकर के कह रहे कि वो देहरादून जाएंगे और तब पॉलिसी बनाएंगे और तब बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। तो सरकार के पास आज के दिन तक भी, 12 जनवरी आज है, आज के दिन तक भी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पुनर्वास की कोई योजना नहीं है, विस्थापन की कोई योजना नहीं है। वो केवल 2-4 वहां जो होटल है, 2-4 स्कूल है, 2-4 इसी तरीके की उन्होंने डिनोट कर रखी है कोई जगह, वहां वो लोगों को डाल रहे हैं। उनके सामान का क्या होगा, उनके आने वाले दिनों का क्या होगा, क्योंकि ये ऐसी नहीं है ना कि जैसे हमने देखा कि कोविड के टाइम पे लोगों को पता था कि 3-4 महीने की स्थितियां खराब है, उसके बाद चीजें शायद सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन आज के दिन पर उनके सामने तो उनका जो भविष्य है बिल्कुल अंधकारमय है। वहां वो दोबारा जाने की स्थितियों में नहीं रहेंगे वो लोग, मकान आज टूटे कल टूटे, ये बारिश आएगी, अगर ज्यादा बारिश आ जाएगी तो वो आज रात भी वो धराशाही हो सकती है पूरा शहर आधा से। तो हमारे पास गढ़वाल कमिश्नर ने जिस दिन मुख्यमंत्री धामी जी यहाँ पहले आए थे, उन्होंने कहा कि 40% शहर हमें विस्थापित करना पड़ेगा। 40% मतलब क्या, माने वहां 20,000 घर है, उन 20,000 से ज्यादा लोग वहां रह रहे हैं, 20,000 का से ज्यादा 40% माने क्या? आप इतने लोगों के लिए आपके पास जगह है नहीं है, आपको तो उनका परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां आप उनको शिफ्ट करा पाएंगे। और केवल जगहों का मायने नहीं है, आज के दिन पर जो लोगों का वहां रोजगार था उनके लिए आपके पास क्या मॉडल है? कोई मॉडल नहीं है उस सरकार के पास इतने महीनों के बाद। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी जो सरकार डबल इंजन की सरकार है वो दिल्ली से संचालित हो रही है। दिल्ली वालों ने अभी तक कोई इनको कोई ये इनके दिमाग में आइडिया ही नहीं आ रहा कि इस तरह की आपदाओं के वक्त सरकारें एक तत्काल एक राशि देती है, वो अभी तक शायद दिल्ली से कोई इनके पास कोई मैसेज आया नहीं है। तो ये स्थितियां हैं कि निर्णयहीनता की स्थिति है, और जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो डीएम है वहां के, वो बिना लोगों से बातचीत किए हुए, बिना कुछ हमने वो न केवल इस जोशीमठ की आपदा के टाइम पे बल्कि पूरे दौर में हमने देखा है, हेलंग वाला एक इशू हुआ था वहां गश्चारियों वाला, उसमें भी वो लोगों से बातचीत करने में उनको पता नहीं क्या दिक्कत है, वो कैसे प्रशासन को डील करेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा। वहां हरिद्वार का SDO वहां लेकर के आ जा रहे हैं, वहां का तहसीलदार, थराली का पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने तहसीलदार है वो आज के दिन पर जोशीमठ में है। तो ऐसी दिखाने के लिए मीडिया के सामने वहाँ सारा प्रशासनिक अमला है, वहाँ पुलिस, वहाँ श्रीनगर की पुलिस, मैं देख रही थी कि वहाँ श्रीनगर की पुलिस वहाँ आजकल भेजी गई है, वहाँ दूसरे और डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वहाँ भेजी गई है ताकि लोग जो प्रोटेस्ट करें उनको रोका जा सके, वो मुख्यमंत्री तक वो लोग ना पहुंच पाए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो लोगों की असल समस्याएं हैं वो लोग कोई लड़ने के लिए नहीं आ रहे, वो कह रहे कि आप हमें विस्थापित कीजिए, हमारे लिए कोई जगह तलाशिए, हमारे रहने की व्यवस्था कीजिए, जो आपने प्रशासन ने, जो सरकार ने जो ये परियोजना उनके सर पे डाली थी उनके विरोध करने के बावजूद, वो परियोजना उनके सर पे डाली थी, आज के दिन पर उस परियोजना का ही ये नतीजा है, उनका वो विकास का जो विनाशक मॉडल था उसका ये आज रिजल्ट है। तो ये सरकार की आपदा है, तो सरकार को ही आप इसको डील करना है। लगातार लोग वहां मांग कर रहे हैं कि उनके विस्थापन की बात की जाए, वहां 2 होटल परसों रात वहां 2 होटल गिराने की प्रशासन ने बहुत घटिया हरकत जिसको हम कहेंगे।